देखिए, कोरोना के संक्रमण की जो दर है, जो पिछले 7-8 दिनों का हमने लॉकडाउन लगाया है, उसकी वजह से संक्रमण के दर में जो वृद्धि हो रही थी उसमें निश्चित रूप से थोड़ी कमी तो ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी वृद्धि की दर बहुत अधिक है और इसको रोकने की बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करना, इसको रोकने के लिए करना शेष है। उसी के अनुक्रम में, उसी को दृष्टिगत रखते हुए, कल से 30 तारीख तक पूरे उज्जैन ज़िले में, न केवल उज्जैन शहर में बल्कि पूरे उज्जैन ज़िले में पूरी तरीके से लॉकडाउन की शुरुआत करी जा रही है। और ये लॉकडाउन जो है, इसको मैं जनता कर्फ्यू, जैसा सीएम साहब बोलते हैं, जनता कर्फ्यू का नाम दूंगा, क्योंकि ये डिमांड हमारी जनता की तरफ से ही आ रही है, चाहे मीडिया के लोग हों, स्वयंसेवी संगठन के लोग हों और दूसरे ग्रुप्स हों, सभी के द्वारा ये डिमांड आ रही थी कि उज्जैन की जो स्थिति बनी हुई है उसमें बहुत आवश्यकता है पूरी तरीके से चीज़ों को बंद करने की। अतः कल से उज्जैन में जो जनता कर्फ्यू है उसकी शुरुआत करी जा रही है। इसमें पूरे में केवल और केवल 2-3 चीज़ें हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं वो चलती रहेंगी, इसके अलावा जो राशन, सरकारी राशन की दुकानें हैं, PDS की दुकानें हैं, वो चलती रहेंगी और उनको यूज़ कर लिया जाए, इसीलिए आटा चक्कियों को भी हम लोग थोड़े समय के लिए जो है वो दे देंगे, परमिशन दे देंगे। हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर चलते रहेंगे। इसके अलावा जितनी भी प्रकार की गतिविधियाँ हैं वो सारी की सारी बंद रहेंगी। अभी कल से किराना की दुकान और सब्जी की बिक्री जो है वो भी हम लोग 1-2 दिन पूरी तरीके से बंद करके रखेंगे। कल तक हम लोग कोई होम डिलीवरी का, किराना और सब्जी की होम डिलीवरी का कुछ एक रास्ता निकाल लेंगे, जिसको हम लोग आगे परसों से शुरू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सब्जी के ठेले, सब्जी की मंडियां और साथ में जो किराना दुकानें हैं वो भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगी। इनकी होम डिलीवरी 2-3 दिनों में हम लोग 1-2 दिनों में शुरू कर देंगे। इसके अलावा बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगी। जो सार्वजनिक परिवहन के जितने भी साधन हैं वो भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। 30 तारीख तक हम लोग अगर सख्ती से इस चीज़ का पालन कर लेंगे तो निश्चित रूप से संक्रमण की चेन भी ब्रेक हो जाएगी, हॉस्पिटल के बेड्स भी खाली हो जाएंगे और ये जो कोरोना की महामारी से जो उज्जैन संघर्ष कर रहा है इस पर बहुत बड़ी जीत हमारे द्वारा हासिल कर